समृद्धि को मापा जाता है, कैसे उसे जानते हैं, कैलकुलेट किया जाता है, ताकि आप पूरे इकोनॉमी का जो क्रक्स है उसे समझ जाए। तो वैसे भी आप जानते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में और किसी भी देश में नागरिकों के साथ न्याय की दशा किस आधार पर उत्पन्न होती है, संसाधन के आधार। तो संसाधन को जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक ये नहीं जान पाएंगे कि कितने लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं और कितने लोगों के लिए क्षमता निर्माण की सुविधाएं हम उत्पन्न कर पाएंगे या नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। इसलिए रिसोर्स कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है, संसाधन की गणना बहुत जरूरी होती है। भाई अगर हमारे पास कितना रिसोर्स है, अगर हमें ये नहीं मालूम है तो हम प्लानिंग नहीं कर सकते। तो संसाधन कितना है किसी देश में, टोटल रिसोर्स कितना है, इसी की गणना के लिए आर्थिक समृद्धि की गणना की जाती है। आर्थिक समृद्धि का मतलब अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन की गणना की जाती है। तो आर्थिक समृद्धि की गणना करने पर ये पता चल जाता है इसकी वैल्यू कितनी है, फिर इस वैल्यू से ये पता चल जाता है इससे कितने लोगों के जीवन के लिए सुविधा दी जा सकेगी। जैसे बुनियादी सुविधा है, बेसिक वांट्स है या बेसिक नीड, कुछ भी कर सकते हैं, बेसिक नीड कितने लोगों को पूरा की जा सकती है, और साथ ही इसी से पता चलता है कि क्षमता निर्माण कितने लोगों का कर सकते हैं। चलिए ये पूरा करेंगे, जैसे रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई, इसके पूरा करने के साथ आप लोगों की क्षमता बढ़ाने का भी प्रयास करें। खाली रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई से तो होगा नहीं, कौशल विकास भी होना चाहिए, परिवहन भी होना चाहिए, संचार भी होना चाहिए, ऊर्जा भी होना चाहिए। तो बुनियादी आवश्यकता तो जानते हैं, जैसे सबसे पहले है हवा, स्वच्छ पानी, भोजन, फिर जानते हैं आवास, फिर है स्वास्थ्य, ऊर्जा बुनियादी आवश्यकता नहीं, और शिक्षा। देख लीजिए ऐसे बुनियादी आवश्यकता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। जैसे ये मनुष्य है, सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए, जिसके बिना मनुष्य जी नहीं सकता, बोलिए, वायु। सबसे पहले वायु चाहिए। देखिए हर व्यक्ति को 16 से 17 लीटर 24 घंटे में वायु चाहिए। तो सबसे बुनियादी आवश्यकता तो हवा है, लेकिन दिल्ली जैसे जगहों में सांस बंदी चल रही है, क्योंकि यहाँ का यहाँ पर जो वायु है वो पायलिटेड है, तो फ्रेश एयर नहीं है। इसके लिए भी सरकार को एफर्ट लेना पड़ा, वायु को उपलब्ध कराने के लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, प्रदूषण पर रोक किया जा रहा है, तमाम जानते एयर जो है रिफ्रेशमेंट के लिए तमाम तरीके के जानते हैं सेंसर लगाए जा रहे हैं, बहुत तरीके का प्रयास है, इस पर पढ़ेंगे अभी। अच्छा, दूसरी आवश्यकता हमारी क्या है, पानी। इसके बिना तो जानते एक मिनट भी नहीं जी सकते, तुरंत आग में मर जाएगा। पानी के बिना 3 दिन तक जिया जा सकता है, 3 दिन, अगर 3 दिन से अधिक हुआ तो मेडिकली माना जाता है व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। पानी कितना चाहिए, 5 से 6 लीटर न्यूनतम, लेकिन जैसे टीचर और स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, हम लोगों को लगभग 10 लीटर के आसपास, क्योंकि बोलने से बहुत ज़्यादा पानी मुँह से वैसे निकल जाए, है कि नहीं। आपका तीसरी जरूरत जानते हैं, भोजन होती है, भोजन 1 से 1.5 किलो चाहिए, बहुत लोग ज़्यादा भी ले लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे 1 से 1.5 किलो भोजन की आवश्यकता रहती है। अच्छा, भोजन के बाद चौथी आवश्यकता क्या बोली, नींद। भोजन के बाद अगर स्वस्थ नींद नहीं होगी तो आप जानते हैं आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बिगड़ जाएगी। तो नींद के लिए क्या चाहिए बोली, आवास। इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया गया, ये नींद के लिए, जानते नींद लेने के लिए, बिना आवास के नींद नहीं ले पाएंगे। अगर आप सड़क के किनारे सोएंगे या रेलवे स्टेशन पे सोएंगे, बस स्टेशन, नींद बीच बीच में टूटती रहेगी आप। अच्छा, इसके लिए ये तो हो गया सांस, ये हो गया पानी, और ये हो गया भोजन, अब नींद ले लिया। नींद लेने के बाद जानते हैं स्वस्थ होना चाहिए, हेल्थ, स्वास्थ्य, और इसके बाद जानते हैं चाहिए बेसिक एजुकेशन, मतलब एजुकेशन। एजुकेशन जब भी कहा जाता है उसका मतलब बेसिक ही होता है। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा फाइंड आउट किया गया बेसिक आवश्यकता है। आप कहेंगे इसमें कपड़ा नहीं है, कपड़े को भी आप डाल सकते हैं, कपड़ा इसमें लिखा नहीं गया है,
कभी बिना कपड़े के भी जीवन जिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं उसमें कपड़ा भी आ जाता है, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए आपको तमाम चीज़ों से बच करके रहना होता है, रख रखाव, स्वच्छता, सब ये स्वास्थ्य में आता है। तो ये बेसिक आवश्यकता, जब मैं यहाँ बोलूँगा इकोनॉमी में तो आप कितना समझा करिए बेसिक। और इसके बाद जैसे देखिए क्षमता निर्माण के लिए सबसे पहले चाहिए ऊर्जा, ऊर्जा होगी ना, फैन चलेगा, लाइट चलेगी, और जानते हैं एसी चलेगा या मोटर चलेगा घर में, तमाम चीज़ आपकी क्षमता बढ़ेगी, इससे क्षमता बढ़ेगी। ऊर्जा के बाद दूसरा क्षमता निर्माण की जरूरत ट्रांसपोर्टेशन मानी जाती है, परिवहन। यदि आप परिवहन की सुविधा होगी तो आप अपने काम के लिए, आप अपने उद्योग के लिए, आप अपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए आस पास जाने में सक्षम होंगे। फिर तीसरा जानते हैं कम्युनिकेशन से संचार, आजकल मोबाइल इंटरनेट का दौर। अच्छा, इसके बाद बैंकिंग चाहिए, क्षमता निर्माण के लिए बहुत जरूरी। बैंकिंग नहीं होगा तो आदमी हमेशा डरता रहता है कि कब डाकू आ जाएगा, कब चोर छीन ले जाएगा, ऐसी समस्या रहती है। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस सिक्योरिटी, ताकि जोखिम को बेचा जा सके। जैसे मान लीजिए इस ऑफिस को कोई जला दे, घबराने की जरूरत नहीं है, काम हर कमर्शियल प्लेस जानते हैं इंश्योरेंस अनिवार्य है, जैसे इस जलेगा तुरंत 30-40 लाख मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं इस जगह का जो कॉस्ट निकाला गया है प्रीमियम के आधार पर लगभग इतना ही है। जैसे अगर 200 वर्ग फीट की जगह है तो 10 लाख, 400 वर्ग फीट की जगह है फिर इसके अलावा कुछ और जानते हैं, उसमें सामान जो रहता उसका अलग, ऐसे है। अच्छा, इसके अलावा जानते हैं प्रशिक्षण ट्रेनिंग, प्रशिक्षण से भी क्षमता निर्माण होता है। कौशल स्किल डेवलपमेंट, कौशल प्रबंधन मैनेजमेंट, ये सब क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। तो दो आवश्यकता के लिए संसाधन चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। अब देखा जाए कि संसाधन कितना है और क्या पूरा हो सकता है। सुनिएगा, पहले तो मैं आपको जो फैक्ट है वो बोल दूं, खाली आप सुनिए। भारत में अभी जितना संसाधन है उतने से 37 करोड़ लोगों की खाली न्यूनतम आवश्यकता पूरी की जा सकती है। बस 136 करोड़ लोग हमारे देश में है, मात्र 37 करोड़ लोगों का ही न्यूनतम आवश्यकता। और क्षमता निर्माण की जो बात हुई, इसका मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो लगभग 20-25 करोड़ लोगों के लिए संसाधन है देश में, और 136 करोड़ आबादी। ऐसे में कैसे होगी नई अपार, कैसे होगा भारत का विकास, कैसे होगा लोगों के साथ सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के लिए वोट डाल रहे हैं, चाहे वो जातिवाद के आधार पर, चाहे जिस आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर। राजनीतिक न्याय तो इस देश में हो चुका है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय की परिस्थिति कैसे उत्पन्न होगी। इसका मतलब है कि संसाधन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जाए। 5 ट्रिलियन होने पर लगभग आप जानते हैं 50-60 करोड़ लोगों के बेसिक आवश्यकताओं को पूरा कर देगी, और बाकी शहर जानते हैं मांग के आधार पर आवश्यकता को पूरा करेगी। 37 करोड़ लोगों को तो सरकार अभी पूरा कर सकती है, और करीब 40 करोड़ लोग अपने ऊपर, अपने पैरों पर खड़े हैं भारत में, जोड़ दो ताकि आपको अंदाजा हो जाए। 37 करोड़ लोगों का सरकार पूरा कर सकती है, मतलब गाँव गिराव ये सब, और 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार या स्वरोजगार है, जो अपनी नैया खुद पार लगा सकते हैं। ठीक है, तो 40 और 37 कितना हो गया, लगभग 73 करोड़ की व्यवस्था है। अच्छा, अगर इकोनॉमी डबल हो जाएगी जो अभी है, तो 37 के बजाय ऐसे कर लीजिए दोगुना कितना हो गया, 74 और 40 जोड़ दीजिए 100 जानते हो गया। हाँ ठीक है, एक तो 14 मतलब लगभग हम लोग जानते हैं लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का, तब तक बाजार भी बढ़ जाएगा माना जा रहा है, और ये लोग बढ़ जाएं तो इसलिए सरकार मान रही 5 ट्रिलियन से सबकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और बाकी जिनकी नहीं होगी वो अपना हाथ जगाना, अर्थात वो अपने से रोजगार और स्वरोजगार से पूरा करें।
बात समझ रहे, इसका मतलब 5 ट्रिलियन से काम चल सकता है देश का। अब 5 को जब 10 करेंगे तब क्षमता निर्माण, तब भारत के नागरिकों की वैल्यू जानते बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर क्षमता ऐसी आ जाएगी कि आप ज्यादा अर्थ करने की क्षमता रखेंगे। देखिए गरीबी क्या है, अमृत शेख को नोबेल पुरस्कार दिया गया कि गरीबी संसाधनों की कमी नहीं, क्षमता का कम विकसित होना है। लेकिन जब संसाधन नहीं होते तो क्षमता भी विकसित नहीं होती। जैसे आपका पैसा नहीं होगा तो आप कोचिंग कैसे करेंगे, फिर यही समझ कैसे आसानी से विकसित हो जाएगी। फिर जानते हैं यही चीज लिखना जो आप कई साल में सीख सकते हैं, मान लीजिए 3 साल में, वो आप 2 महीने में सीख सकते हैं, है कि नहीं। जो आप 5 महीने में पढ़ सकते हैं वो आप 20 दिन में पढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि जिसने पढ़ा है उससे पढ़ लीजिए। लेकिन ये इसके लिए पैसा चाहिए ना, इसका मतलब बिना संसाधन के क्षमता निर्माण होता ही नहीं। इसलिए पहले संसाधन का कैलकुलेशन समझा जाता है इकोनॉमी में। पहला चैप्टर होता है कि कैलकुलेशन ऑफ रिसोर्स, कैलकुलेशन ऑफ रिसोर्स को जो टर्म्स दिया जाता है वो कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कल मैंने पढ़ाया आर्थिक समृद्धि, जो लोग नहीं सुने एक बार दोबारा सुन लें, संसाधन को सीधे नहीं लिखा जाता कैलकुलेशन ऑफ रिसोर्स, लिखा जाता कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। देखिए ये 2 शब्द है, वैसे तो टोटल 3 शब्द है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आर्थिक समृद्धि। और आर्थिक समृद्धि अगर पर्याप्त रहेगी तो आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास अगर स्थायी हो गया तो आर्थिक प्रगति होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक प्रगति। अब 3 चैप्टर तो यही हो गए। अब देखिए अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है, मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटिव चेंज को, अर्थव्यवस्था में होने वाली क्वांटिटिव चेंज को, मात्रात्मक परिवर्तन को आर्थिक समृद्धि। जैसे पिछले साल की तुलना में सड़कों की लंबाई बढ़ जाना, स्कूल की संख्या बढ़ जाना, अस्पताल की संख्या बढ़ जाना, आय का बढ़ जाना, ये सब आर्थिक समृद्धि कहलाता है। इवन खाली मुकेश अंबानी की आय बढ़ गई तब भी आर्थिक समृद्धि हो गई। आर्थिक समृद्धि खाली संसाधन वृद्धि को दर्शाता है, इसका मतलब होता है संसाधन वृद्धि। लेकिन संसाधन वृद्धि में पिछला संसाधन और नया संसाधन दोनों शामिल है। जैसे कहा जाए कोचिंग से क्या लाभ हुआ, तो पहले कितना आता था और कोचिंग करने के बाद कितना आया, दोनों जोड़ा जाएगा तभी पता चलेगा। अच्छा, और अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को, गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज को, जैसे सड़कों की लंबाई बढ़ी, लेकिन क्या वहां बढ़ी जाना जरूरत थी, स्कूलों की संख्या बढ़ी, अस्पतालों की संख्या बढ़ी, क्या वहां बढ़ी जाना जरूरत थी, अगर वहां बढ़ी तो आपकी विकास, नहीं तो नहीं। अगर आय बढ़ी और खाली मुकेश अंबानी के पास बढ़ी तब तो आपकी समृद्धि हुई, आर्थिक विकास नहीं हुआ। लेकिन अगर नहीं, और नागरिकों का बढ़ना चाहिए, जिनकी जरूरत है उनका बढ़ना चाहिए, नहीं तो संसाधन, नहीं तो जानते हैं आर्थिक गतिविधियां कुछ लोगों के लिए समर्पित हो जाएंगे, इससे समृद्धि के कुछ दीप बन जाते, कैसे बनते हैं वो सब फैक्टर वे निकालेंगे। तो देखिए अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को आर्थिक समृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास। अब आज का पहला चैप्टर रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कल मैंने बताया था कि आर्थिक समृद्धि को मापा कैसे जाता है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। तो आप देख डालिए आज का पहला चैप्टर रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि की गणना। इसको ये भी कहा जा सकता है मेजरमेंट ऑफ, जैसे मेरी किताब में देखेंगे तो ये हेडिंग हमने इसमें डाला है, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या आर्थिक समृद्धि का मापन। एक ही बात, जैसे सब्जी को किलो में मापा जाता है, दूध को लीटर में मापा जाता है,
है कि नहीं, कपड़े को मीटर में मापा जाता है, ऐसे आपकी समृद्धि को कैसे मापा जाता है, ये पांच सूचक, पांच नमूना है, पांच मेजरमेंट्स है। पहला नमूना जीडीपी के रूप में जाना जाता क्या है, अभी चर्चा करते हैं। दूसरा जीएनपी, तीसरा एनडीपी, चौथा एनएनपी, पांचवा पीसीएन। और गंभीर पकड़ होनी चाहिए आपको, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाएंगे मैथमेटिकल, ताकि आप देखते ही जान जाए करिए क्या है। जैसे कई बार आपको रटना पड़ता कोई चीज, तो रटना ना पड़े, क्लास दे, मेरी क्लास की सफलता तभी मानी जाएगी जब आप जानते पढ़े और आपको आभास होने लगे, चीजें दिखने लगे। जैसे आप किसी को देखते हैं तो कुछ दिखता है, जैसे मान लीजिए आपको देखते हैं तो एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहिए, ऐसी दृष्टि एक टीचर की होनी चाहिए, चेहरा आपका दिखे लेकिन भविष्य का ब्यूरोक्रेट दिखे, उसे देखने की दृष्टि व्यापक मानी जाए। ऐसे दे सकता ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू की राष्ट्रीय, तीसरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद, और चौथा है नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति, ये सब संसाधनों की माप है, देश के अंदर कितना संसाधन है और संसाधन वृद्धि है उसी को मापता है, बात समझ रहे हैं। अब इसमें पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग जीडीपी, जो सबसे क्रांतिकारी माना जाता है और सबसे अच्छा नमूना। अच्छा कल हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि सबसे पहले इसकी अवधारणा कब आई, 1934 में साइमन कुलिनेंस के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई, 1937 में उसने कैलकुलेशन को विकसित कर लिया। और हमने ये भी बताया था कि कैलकुलेशन क्यों लाया गया था, अपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया ना, 1929 से 1933 की महामंदी में जानते हैं यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हो गई थी, बहुत प्रभावित हो गई थी, जिसके नाते अमेरिका में जब आर्थिक नीति बनाने की बात की गई, तो यह पहले कोशिश किया गया कि भैया पहले अभी नाप के बाद जान लीजिए कितना संसाधन बचा है, भाई पहले नाप लिया जाए कितना संसाधन बचा है तब ना बढ़ाने की बात की जाए। जैसे अगर आपको मुझे खाना खिलाना है तो पहले देखना पड़ेगा आपके टिफिन में कितना खाना है, उसके जितना कम है उतना रोटी डाल देना है कि नहीं, जितनी चीज कम है उतना डाल देना है। मान लीजिए किसी बच्चे को दो चॉकलेट खाना है और उसके एक चॉकलेट है उसके पॉकेट एक और डाल देना है। इसीलिए 1929 से 33 की महामंदी के दौरान जो संसाधनों की कमी आई थी, उस संसाधनों की कमी की स्थिति में यूएसए की अर्थव्यवस्था में संसाधनों की नाप के लिए साइमन कुजनेस ने, इसलिए इनको फादर ऑफ जीडीपी, फादर ऑफ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैलकुलेशन कहा जाता है, आर्थिक समृद्धि के मापन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जीडीपी, फादर ऑफ जीएनपी, सर यही साइमन कुजनेस, साइमन कुजनेस। बहुत बड़े अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, नोबेल वेट को मिला था नाम साइमन कुजनेस, इन्हीं का। और भारत में यही काम जानते हैं किसने किया, प्रशांत चंद्र महलनोबिस का, प्रशांत चंद्र महलनोबिस ने जाते ही कैलकुलेशन किया।
सबसे पहले जाते हैं जीडीपी को समझना। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट,